गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आज हम अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेलोवेरिन्स का पार्ट थ्री को हम डिस्कस करेंगे ठीक है इस पार्ट थ्री में हमने क्वेश्चन नंबर टेन पॉइंट सेवेंटीन एंड ऑनवर्ड हमें डिस्कस करना है टेन पॉइंट वन सेवेन टेन पॉइंट टू टू हमें डिस्कशन अभी करना था टेन पॉइंट वन सिक्स को हमने डिस्कशन कर रखा है तो टेन पॉइंट वन सेवन क्वेश्चन जो है वो है आउट ऑफ जो क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी एल एंड सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एल सी सिक्स एच फाइव विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाई एक्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आप एक बात को हमेशा याद रखें जब भी हाइड्रोलिसिस वर्ड का यूज होड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केलो एरिंग ठीक है या फिर सोल्वोलिसिस लिखा हो ठीक एक और होती है एसिटोलिसिस तो अगर लास्ट में लाइसिस आ रहा है ना ये एल वाई एस आई एस तो आप इस बात को जान जाएं कि इनकी जो रिएक्शन होगी वो एस एन वन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी ये ट्रिक की तरह आप इसको याद याद रख सकते हैं कि जितने भी सोल्वोलिसिस रिएक्शन होंगे हाइड्रोलिसिस एंड एसिटोलिसिस सभी जो है एस एन वन मैकेनिज्म को क्या करेंगे फॉलो करेंगे तो अगर हम एस एन वन की मैकेनिज्म को रेट का ऑर्डर लिख लें तो हमें जो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर हमें निकालना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हमें मिल जाएगा तो बेसिकली हमें हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलिसिस या एसिटोलिसिस का रेट निकालना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें जो रेट ऑफ एस एन वन है उसको हम कन्वर्ट कर लें अगर मैं इसकी बात करूं सी सिक्स एच फाइव सी टू सी एल की तो ये बेंजीन है दिस इज सी एस टू एंड दिस इज सी एल ठीक है अब ये क्या है ये बेंजीन सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एल एंड अगेन बेंजीन रिंग ठीक है अब मैंने इसी क्वेश्चन को आई थिंक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था कि जब ये कार्बोकटायन बनाएगा अपना थ्रू एस एन वन मैकेनिजम हमें एक इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकटायन तो ये सी एच टू प्लस होगा वेर एज जो ये कार्बोकटायन होगा सी एच प्लस ये ये दोनों कार्बोक में मोर स्टेबल कौन सा है ये वाला है क्योंकि ये दो बेंजाइल रिंग्स दो बेंजीन रिंग्स के साथ कॉन्जुगेशन में है मतलब रेजुलेंस रेजुलेंस करेगा एक बार इससे करेगा तो इसके नंबर ऑफ रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बहुत ज्यादा बनेंगे वेयर एज इन दिस केस जो रेजिनेस होगा सिर्फ और सिर्फ इसी एक फिनाइल ग्रुप से होगा दैट तो इज बेंजीन स इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे तो ये लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस तो लेस स्टेबल है तो इसकी रेट भी क्या होगी लेस होगी तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा इसका तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टूअर्ड्स हाइड्रोलाइसिस दैट विल बी सेकेंड ठीक है तो विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज जिसकी रेट ज्यादा होगी वही इजिली हाइड्रोलाइज होगा इजिली ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब टेन पॉइंट वन एट को हम डिस्कस करते हैं टेन पॉइंट वन एट क्या है यह है कि पैराडाइक्लोरोबेंजिन पैराडाइक्लोरोबेंजिन फर्स्ट ऑल हम बना लेते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजिन है मतलब एक तो क्लोरोबेंजिन है और इसके पैरा पोजिशन पर भी क्या है क्लोरीन है ठीक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स इसके ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स जो होंगे उनके रिस्पेक्टली इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है वही हमें डिस्क्राइब करना है कि ऐसा क्यों होता है हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये हमारा पैराडाइक्लोरोबेंजिन इसको मैं ओ लिख देता हूं ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजिन एंड दिस इज मेटा डायक्लोरोबेंजीन ठीक है अब इन तीनों का हमें क्या करना सॉलिबिलिटी का करना है कंपैरिजन एंड मेल्टिंग पॉइंट का तो आइए देखते हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा जब हम पैरा पोजिशन की बात कर रहे हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की तो ये हमारे क्या है सिमेट्रिकल है ये हो गया हमारा सी एंड ये हो गया हमारा सी ठीक है तो सीन्स ये सिमेट्रिकल है और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है हम किसकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की सॉलिड की क्योंकि सॉलिड ही तो मेल्ट होता है मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा सीन्स ये सिमेट्रिकल है इसीलिए जितने भी आपके जो सॉलिड्स होंगे क्रिस्टल लैटिस आपने सॉलिड स्टेट पर रखा है तो उसमें आपको पता होगा कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनमें जो सिमेट्रिकल कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जैक्टली exactly फिट होते हैं और ड्यू टू विच जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उस क्रिस्टल की वो ज्यादा होती है ठीक है आप देख लें कि ये सिमेट्रिकल है आप इस साइड से देखें तो भी सिमेट्रिकल है एंड इस साइड से देखें तो भी सिमेट्रिकल है आप किसी भी एंगल से देख लें तो ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड सिमेट्रिकल है इसीलिए क्या है जिली जो है जो क्रिस्टल होगा उसको क्लोजली पैक रखेगा उसकी पैकिंग जो होगी वो और भी अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी जिसकी पैकिंग अच्छी होती है आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में कि पैकिंग जितनी अच्छी होगी हमने सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड सीसीपी एफसीसी की बात की थी तो वैसे ही जब ये होगा सिमेट्रिकल है ये तो ये हम हाँ जहां पर फिट होगा वहां की जो होगी जो वेरिएशन होगी वो सिमेट्रिकल होगी एंड ड्यू टू विच ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होगा उस लैटिस में इसीलिए इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटाडाइक्लोरोजिन क्योंकि इनमें सिमेट्रिकल नहीं है ये जब भी किसी क्रिस्टल में जाएंगे तो ये सिमेट्रिकली नहीं होंगे तो वो कोई ना कोई वॉइड छोड़ेंगे और वॉइड के प्रेजेंस की वजह से जो होगी उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी जो उसकी पैकिंग होती है वो क्लोजली नहीं होगी कुछ उसमें ढीलापन आएगा और वो मोस्ट स्टेबल पैकिंग नहीं हो पाएगी और जब पैकिंग स्टेबल नहीं होगी तो वो ईजिली टूट जाएगा और वही उसी को हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कि जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर दे किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर तो उसे हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं why, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरबीन होता है वो ज्यादा होता है ठीक है इसकी मैं अगर लैंग्वेज आपको लिखवाना चाहूं तो लैंग्वेज लिखवा देता हूं मैं आप लिख लें लिखे द पैरा आइसोमर Being more symmetrical and fits closely in the crystal lattice. ठीक है, ये सिमेट्रिकल है एंड ईजिली फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में एंड दस हैज स्ट्रॉगर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ठीक है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होता है काफी ज्यादा होता है एज compared टू ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ठीक है ऑर्थो एंड सॉरी मेटा होगा यहां पर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स क्योंकि ये ऑर्थोमेटा क्या है आइसोमर्स नहीं है इसके ठीक है सिंस ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लें क्योंकि हमें यहां पर स्पेस कम है सिंस ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायसोल्यूशन इसका आप डिस्यूशन लिख लें ठीक है डिसोल्यूशन द क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स देर फोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट और डिजॉल्व द पैरा आइसोमर देन द करस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ठीक है अब यहीं से आप जो है सॉल्युबिलिटी का भी आंसर दे सकते हैं हमें सिंस इसकी मिल्टिंग पॉइंट क्या है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटाइसोमर इसीलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लेसर होगी तो फर्दर आप आगे लिखें कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर एंड हेंस इट्स सॉल्युबिलिटी इज लोअर देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स मतलब सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी ऑर्थो एंड मेटा की एज कंपेयर टू पैरा बट मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी पैरा की इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसीलिए इसकी सॉलिबिलिटी कम है ठीक है बात समझ में आई तो ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बेसिकली हमें फिर अगेन कन्वर्जेंस के 20 क्वेश्चन मिले हैं इसमें भी हमें क्या करना है कन्वर्जन करना है हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन कौन से रिएजेंट्स लें ताकि जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है और उससे हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकें तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट में हमें कन्वर्ज करना है प्रोपीन को प्रोपीन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये होगा हमारा क्या प्रोपीन ठीक है और इसको हमें क्या करना है प्रोपे नॉल में कन्वर्ट करना है ये हो गया हमारा क्या प्रोपे नॉल ठीक है तो इसके दो रास्ते हैं एक तो आप डायरेक्टली इसको H प्लस एच टू से रिएक्शन करा दें ठीक है लेकिन उससे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा वन पिपेनॉल बनना था वो टू प्रिपेनॉल बन जाएगा जो कि इसका क्या होगा आइसोमर होगा बट हमें क्या बनाना है इसका प्रोडक्ट बनाना है ये वाली तो इसकी आप क्या करें एच बी आर से रिएक्शन करा दें एडिशन रिएक्शन होगा एच बी आर से अब हम कुछ इस तरह से एडिशन कराएं कि जो हमारा बी आर हो वो टर्मिनल पोजीशन पर हो टर्मिनल तो पोजीशन पर कब जाएगा जब हम यहां पर प्रेजेंस में आर लें, अब जब हम ले लेंगे, तो हमारा एडिशन क्या होगा एंटी मार्कोनिकोफ होगा एंड जब एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होगा तो हम एडिशन कराते हैं एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन के हिसाब से क्या होता है जो एच होगा एच बी आर का एच पार्ट जो है वो एच प्लस वहां पर जाके लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम क्या हो कम हो यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर दो हाइड्रोजन है इसका मतलब एच हमारा कहाँ लगेगा यहां पर ठीक और ब्रोमीन हमारा कहाँ लगेगा यहां पर तो यहां पर हमने क्या किया ब्रोमीन लगा दिया एंड फर्दर इसको आप एच टू ओच में कन्वर्ट करना अच्छे से जानते हैं आप इसको किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दें, एनओएच करा दें, एक्वास एनोएच से ठीक है तो यहां पर ओएच माइनस न्यूक्लियो होगा इस बी को क्या कर देगा लिविंग ग्रुप तरह निकाल के खुद क्या होगा? सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या प्रोपेनॉल। हम इन दिस केस डायरेक्ट एच टू ओ एच प्लस एच टू ओ एसिडिक सोल्यूशन में एच टू से एडिशन नहीं करा सकते थे क्यों नहीं करा सकते थे कि जब आप H+ प्लस एच टू से रिएक्शन कराएंगे तो H+ प्लस पहले रिएक्ट करेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा कुछ इस तरह से को फॉर्मेशन का होगा कि जो कार्बोकोटैन बने वो मोस्ट स्टेबल बने तो यहां पर आके हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पर कार्बोटाइन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जबकि हमें एडिशन जो कराना था वो एंटी मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग कराना था ताकि जो हमारा हो प्रोपेन हो, ठीक है तो इसलिए हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल एच बी आर से एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराया एंड आफ्टर दैट हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया ठीक ये फर्स्ट हो गया हमारा सेकेंड क्या है इथेनॉल टू इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच टू ब्यूट वन आइन यही तो है आप इसको ओपन स्ट्रक्चर में जब लिखेगा तो सी एस थ्री सी एच टू सी ट्रिपल वन सी एच ये होगा हमारा ब्यूट वन आइन अब इसको कैसे किया जाए बहुत आसान है आप इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कर दे एसओ सी एल टू एसो सी एल टू से जब थायोनिल क्लोराइड करेंगे ऐसे नई रिएक्शन है सी टू एच फाइव ओ एच जगह क्या हो जाएगा Cl सब्सिट्यूट हो जाएगा ये हमारा क्या आ गया हेलोजन ग्रुप गया। अब आप रिएक्शन करा दें दो है हमारे पास तो आपने पिछले कन्वर्टर्स में भी ये यूज किया था मैं कि सी एच ट्रिपल वॉन सी माइनस एनए प्लस से आप रिएक्शन करा दें तो जब एन ए प्लस से रिएक्शन करेंगे तो एन ए सी एल यहां से क्या होगा निकल जाएगा माइनस एनए सी एल और ये सी टू एच फाइव सी ट्रिपल वॉन्ड सी एच यहां पर लग जाएगा तो यही तो हमें बनाना था ये क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल वॉन्ड सी एच ये हो गया हमारा मतलब आपको जब भी कोई हेलोजन गिवेन हो और आपको उसको टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करना हो टर्मिनल अल्काइन हम उसे बोलते हैं जब एकदम लास्ट नंबर पर कोई अल्काइन हो ठीक है टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करना हो तो आप जो है उस टर्मिनल अल्काइन के साथ सोडियम सॉल्ट जो है उसकी रिएक्शन आप करा दें तो आपको वो अल्काइन मिल जाएंगे इसके आई थिंक तीन चार क्वेश्चन हो गए तीन चार बार ये यूज हो चुका है अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा अब आइए थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या है मेरा कन्वर्जन हमारा जो थर्ड कन्वर्जन है दैट इज वन ब्रोमो प्रोपेन मैं इसको बना देता हूँ ये क्या है हमारा वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन कराना है हमें तो ये हो गया हमारा टू ब्रोमो प्रोपेन हमें ये कराना है ठीक तो इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कर दे? Alcoholic potassium hydroxide करा दें एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एलिमिनेशन करा दें जब आप एलिमिनेशन कराएंगे तो यहां का ब्रोमीन निकलेगा और यहां का हाइड्रोजन यहां पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ठीक इस डबल बॉन्ड का फर्दर आप एच से रिएक्शन करा दें अगेन एच बी आर से आप रिएक्शन कराएंगे इन एबसेंस ऑफ परोक्साइड मतलब परोक्साइड हमें नहीं लेना है तो एडिशन जो होगी वो क्या होगी मार्कोनिको फेडरेशन होगी मार्कोनिको फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो एच होगा हमारा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ज्यादा होंगे वहां पर लगेगा तो यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है तो हमारा हाइड्रोजन जो है यहां पर लगेगा तो ये सी एस थ्री हो जाएगा और जो ब्रोमीन है इसके सेकेंड पार्ट पर लगेगा डबल बॉन्ड के तो यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें बनाना था ठीक है बात समझ में आ रही है ना कन्वर्जन की क्योंकि कन्वर्जन अक्सर पूछा जाता है आपको ये आना चाहिए ठीक है तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं मैं आपको बताऊं ये जो कन्वर्जेंस के क्वेश्चन होते हैं ना एक्चुअली होते बड़े ईजी बस बशर्ते ये जो है आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आते हैं ठीक है तो फोर्थ हम देखते हैं अपनी कन्वर्जन फोर्थ कन्वर्जन हमारी फ्रॉम टॉल्यूइन टॉल्यून मैंने आपको बताया था कि टॉल्यून कॉमन नेम है किसकी यहां पर आप सी थ्री लगा दें कहीं भी ये हो गया हमारी टॉल्यूइन और इसका हमें कन्वर्जन करना है कहाँ इसका कन्वर्जन हमें करना है बेंजाइल एल्कोहल में बेंजाइल एल्कोहल दिस इज सी एच टू ओ एच दिस इज बेंजाइल एल्कोहल ठीक है हमें क्या करना है इसमें कन्वर्ट करना है तो आप एक काम करें इसकी जो अलाइलिक सब्सटीट्यूशन करा दें किससे आप इसके लिए सीएल टू एचन्यू से करा सकते हैं फ्री रेडिकल सीएल टू एचन्यू से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा अलाइलिक सब्सटीट्यूशन होगा यहां की एक हाइड्रोजन जो होगी वो सीएल से क्या होगी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा सी एच टू एंड ठीक अब आप क्या कर दें फर्दर H2O टू से आप रिएक्शन करा देन सेंड ओ एच ले, ले कोई फर्क नहीं पड़ता ओ एच माइनस जो होगा सी एन को क्या कर देगा सब्सिट्यूट कर देगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल ठीक है ये हमारी बेंजाइल एल्कोहल फॉर्म हो जाएगी अब इसके बाद जो हमें पांचवें नंबर पे करना है वो है फ्रॉम बेंजीन बेंजीन बना लेते हैं फ्रॉम बेंजीन टू फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजिन फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजिन मतलब नाइट्रो पोजीशन को हम यहां पर ले लें ग्रुप तो यहां पर ब्रोमीन होगा क्योंकि वन टू थ्री फोर ये क्या हो जाएगा फोर ब्रोमो इट्रोप इंजिन अब हमें क्या करना है इसका कन्वर्जन हमें करना है ठीक तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप क्या करा दें ब्रोमिनेशन करा दें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था तो जब आप इसके ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा ब्रोमीन लग जाएगा ठीक है आप अगर फर्दर इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा दें नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको पता है कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री प्लस कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर को हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा वो होता है एनओ टू प्लस ठीक अब सीन्स इस इसके पास लोन पेयर है है ना तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एनओ टू जो होगा बी आर इसके पैरा पोजिशन पर लग जाएगा प्लस इसके ऑर्थो पोजिशन पर भी लगेगा बट ये क्या होगा कि ये मेजर होगा क्योंकि इसमें जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो ये क्या होगा मेजर होगा और ये माइनर होगा ठीक है तो जो मेजर होंगे उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं और हमें यही प्रोडक्ट बनाना था तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा अगर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं और मेजर वाला आपका फेवरेबल प्रोडक्ट है जो आपको डिजायर प्रोडक्ट था अगर वो मेजर बनता है तो वो कन्वर्जन आपका सही माना जाता है ठीक है क्योंकि ये जो माइनर प्रोडक्ट बनते हैं बहुत लेस अमाउंट में बनते हैं इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा वो है फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल हमें पता है बेंजाइल एल्कोहल ये होते हैं सी एच थ्री ओ एच सॉरी सी एच टू ओ एच होगा ये होगा बेंजाइल एल्कोहल टू इसका हमें किस में नियोजन करना है टू फिनाइल एथेनोइक एसिड यहां पर क्या होगा इथेनोइक एसिड होगा हमें इसमें कन्वर्जन करना है ठीक है तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्जन हो सकता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेंजाइल एल्कोहल के रिएक्शन आप एस सी एल टू से करा दें थायोनिल क्लोराइड से तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा सी एच टू एन सी एल ओ एच को सी एल क्या कर देगा सब्सिट्यूट कर देगा ठीक उसके बाद आप रिएक्शन करा दें किससे पोटेशियम साइनाइड इथेनॉल से ठीक है ये अब ये क्या होगा सी एन माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल सीएल को क्या कर देगा सब्सटीट्यूट कर देगा ठीक क्या होगा सी एच टू एंड सी एन तो अभी तक आपने ये नहीं जाना है कि इसकी हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड अगर किया जाए तो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है ये आई थिंक आपको मैं जब रिएजेंट पढ़ाऊंगा जस्ट अगले चैप्टर में एल्कोहल फिनोल इथर में रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम रियजेंट बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट तो उसमें मैं इसका डिस्कशन करूंगा बिफोर दैट आप ये बात जान लें कि जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में जब एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसे हम एच प्लस एस टू ओ लिखते हैं या फिर हम एच थ्री ओ प्लस लिख देते हैं दोनों ही सेम होते हैं ठीक तो जब आप किसी भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सी डब्ल ओ एच में जब आप किसी भी साइनाइड के हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में तो वो सी एच में कन्वर्ट हो जाता है और यही हमारा क्या था प्रोडक्ट था हमने स्टार्टिंग किया किससे बेंजाइल एल्कोहल से फिर हमने थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो ये सी एस टू सी एल में कन्वर्ट हो गया फिर हमने साइनाइड से क्या कराया निक्लोफिलिक्स सब्सिट्यूशन एंड आफ्टर दैट जो साइनाइड हमारा बना उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी तो हमें क्या मिल गया एसिड मिल गया ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल ये कौन सा है हमारा सेवेंथ है इथेनॉल सी टू एच फाइव OH. ओ एच ठीक है इसका हमें किसमें कन्वर्जन करना है प्रोपेन नाइट्राइल में मतलब ओ OH एच जो है सी टू एच फाइव इसको हमने नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है जिसे हम साइनाइड बोलते हैं ठीक है

इस Cl को क्या कर देगा सब्सिट्यूट तो ये सी टू एच फाइव सी एन बन जाएगा प्लस हमारा सीएल माइनस जो है निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप ठीक है और फर्दर अगर हम इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक बात समझ में आ रही है ना तो आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है एट टू क्लोरोबेंजीन एनेलिन को हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है बेसिकली ये जो एनेलिन है ना एक हम इसको पढ़ेंगे एमाइन चैप्टर में बट यहां पर इसको यूज दे दिया है तो मैं आपको बता दूं कि एनेलिन एक कॉमन नेम है यहां पर एनएस टू आप लगा दें एनिलीन है ये ठीक जब किसी भी एनिलीन का रिएक्शन आपको किसी कंपाउंड वगैरह फ्रॉम एनिलीन कन्वर्ट करना होता है तो उसके सबसे बेस्ट पाथ जो होती है वो होती है वायर डाइजोनियम सॉल्ट ठीक इस एनिलीन की रिएक्शन हम अगर एनएन प्लस एच सी एल से करा दें ठीक है या फिर अगर एनएन टू प्लस एच सी एल ना देकर आपसे अगर एच एन ओ टू भी दिया है तो भी बात एक ही है बोथ आर सेम ठीक है एनए एन ओ टू प्लस एच सी एल से आप अगर रिएक्शन करा दे हैं। तो ये जो एन एच टू है वो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है एन टू प्लस सी एल माइनस ये होती है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इसको हम बोलते हैं इसकी हम बकायदा रिएक्शन पढ़ेंगे एम चैप्टर में ये हमारी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ठीक है अब इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये इतना रिएक्टिव होता है कि आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन आप करा दें इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन ये तुरंत नाइट्रोजन गैस रिलीज करके और प्रोडक्ट बना देता है ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है तो आप इसमें अगर सी यू सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल इसको जो हम रिएक्शन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन जब आप इस रिएजेंट को यूज करते हैं ऑन डायजोनियम सॉल्ट तो ये होती है सैंड मेयर रिएक्शन इसमें क्या होता है सीएल जो है डायजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस कर देता है ये डायजोनियम सॉल्ट इतना रिएक्टिव होता है कि इससे कोई भी रिएक्शन आप बहुत सारे रिएक्शंस आप करा सकते हैं ठीक है ये N2 जो है इमिडिएटली रिलीज हो जाता है नाइट्रोजन गैस और Cl हमारा लग जाएगा तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन फ्रॉम एनलिन टू क्लोरोमेंजिन ठीक है अब जो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वो है नाइन्थ नंबर और इसमें हमें कन्वर्जन करना है टू क्लोरोब्यूटेन का ये हो गया हमारा टू क्लोरोब्यूटेन ठीक है इस टू ब्यूटेन का कन्वर्जन हमें किसमें करना है थ्री कॉमा फोर डायमिथाइल हेक्सेन में थ्री कॉमा फोर एक मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं हेक्सेन में बनाना है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया हेक्सेन हमें इसका कन्वर्जन किसमें करना है थ्री कम फोर तो वन टू थ्री ये होगा हमारा मिथाइल और ये हो गया हमारा मिथाइल इसमें हमें कन्वर्जन करना है आप मिथाइल का मतलब होता है सी एच थ्री इसमें हमें क्या करना है कन्वर्जन करना है तो आप बड़े ही ध्यान से देखें अगर हम इसकी रिएक्शन वुड रिएक्शन करा दें ठीक है अगर हम इसकी वुड रिएक्शन करा दें तो क्या हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा ये साइड प्रोडक्ट में सी एस थ्री चला जाएगा रिएक्शन करा कर दिखा देता हूँ ये है हमारा ठीक है जब हम वुड रिएक्शन कराते हैं टाइस ऑफ सोडियम ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो सी एल वाले वो एक दूसरे में क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं ठीक है तो अगेन यही जो मॉलिक्यूल इसके एब है वही क्या होगा इससे ऐड हो जाएगा ये ऐड हो गया ठीक अब आप इसको ओपन स्ट्रक्चर बना लें इन सबको पेरेंट चेन में ले लें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब वन टू थ्री थ्री पर क्या है वन टू थ्री थ्री पर मिथाइल है यस यस थ्री एंड फोर्थ पर जब आगे बढ़ेंगे पेरेंट चेन में तो यहां पर भी क्या है सी एस थ्री तो ये क्या हुआ वुड्स रिएक्शन हमने कराया तो ये प्रोडक्ट हमारा डायरेक्टली मिल गया क्योंकि वुड्स रिएक्शन आपको पता है किसी भी आर एक्स को आप रिएक्शन कराते हैं तो आर आर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये थी हमारी एक वुड्स रिएक्शन की एग्जाम्पल भी आप इसे कह सकते हैं अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा टेंथ नंबर वो है टू मिथाइल वन प्रोपीन मतलब प्रोपीन है वन पर और टू मिथाइल मतलब ये होगा ये होगा सीएस थ्री यानी होगा सी एस थ्री ठीक है टू मिथाइल वन प्रोपीन से स्टार्ट करना है और हमें टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपीन बनाना है टू क्लोरो टू मिथाइल मतलब इसी सी एस थ्री पर हमें प्रोपेन बनाना है यह सी एस थ्री ही होगा ठीक है अब बताएं आप कि यह कैसे होगा अगर आप इसकी एच सी एल से एडिशन रिएक्शन करा दें तो एडिशन से जब कराएंगे आप एडिशन रिएक्शन तो मार्कोनिकोफ एडिशन होगा क्योंकि और लो तो इसमें परोक्साइड है ही नहीं और होके भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें प्रोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एच बी आर के केस में इफेक्टिव होता है तो आप इसमें क्या करा दें आप इसमें जो है मार्कोनिकोफ एडिशन करा दें ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री पहले से ही था जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा वहाँ पर हाइड्रोजन जाके लग जाएगा तो ये सी एच थ्री बन जाएगा और दूसरी ओर सी एल लग जाएगा हमारा तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा यही हमें क्या करना था बनाना था ऑफ एडिशन आप इसमें एच का करा दें तो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है इथाइल क्लोराइड जो है हमारा इथाइल क्लोराइड दैट इज सी टू एच फाइव सी एल इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें प्रोपेनोइक एसिड में सी डबल ओ एच अगेन वही पिछला वाला क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे के से रिएक्शन करा दें पोटेशियम साइनाइड से के प्लस सी एन माइनस सी एन को क्या कर देगा न्यूक्लोफिल सब्सटीट्यूशन होगा तो सी टू एच फाइव सी एन बन जाएगा आप इसका फर्दर हाइड्रोलिस कर दें तो जब हाइड्रोलिस कर देंगे तो सी एन जो है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में तो हमें क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा ठीक है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था अब आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा क्या है ट्वेल्थ है हमारा ब्यूट वन इन ये हो गया हमारा ब्यूट वन इन ठीक है इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं सॉरी हमें तो प्रोडक्ट बनाना है ना तो ब्यूट वन इन का हमें प्रोडक्ट बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब टर्मिनल पोजीशन पर ही क्या है आयोडाइड लग जाए ठीक है तो हमें यह कराना है बट अगर हम इसमें इस डबल बॉन्ड में एच से अगर रिएक्शन करा दें तो हमें जो एडिशन कराना होगा वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कराना होगा क्योंकि यही रूल है कि आपको एच से अगर एडिशन कराना है या एच एच से या एच से भी कराना है बट ऑप्शंस हो अगर किसकी परोक्साइड की तो वो मार्कोनिको एडिशन देते हैं बट अगर आप ध्यान से देखें कि इस एल्कीन के जब तक आप एंटी मार्कोनिको एडिशन न कराएं तब तक आपको डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो आप क्यों न एक काम करें इसकी रिएक्शन एच से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी परोक्साइड ठीक है परऑक्साइड आप H2O2 टू ओ टू भी ले सकते हैं या फिर आर डबल ओ आर भी ले सकते हैं या फिर और भी प्रोडक्ट होते हैं फिनाइल ग्रुप के होते हैं खैर उससे हमें मतलब नहीं है परऑक्साइड से अगर करा दें एच बी आर से तो हमारा बी आर यहाँ पर आकर लग जाएगा सॉरी हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारा बी आर लग जाएगा अब समस्या ये हुई कि हमें चाहिए था आयोडीन और आ गया ब्रोमीन तो आप इसमें क्या करें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकलिस्टन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है रिएक्शन एक्सचेंज में क्या होगा सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जब आप रिएक्शन करा देंगे तो ब्रोमीन जो है आयोडीन में एक्सचेंज हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा ठीक है तो इसमें जब भी आपको एंटी एडिशन अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होते हुए दिखे तो आप आसानी से परोक्साइड के प्रेजेंस में एच का एडिशन करा दें एंड आफ्टर दैट हेलोजन एक्सचेंज करा दें अगर यहाँ पर फ्लोरिन भी होता तो भी हम करा देते हैं फर्क बस इतना होता कि इन दैट केस हम सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन न यूज करके हम कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते फ्लोरिन कंटेनिंग लाइक एच हो गया या फिर और भी फ्लोरीन फ्लोरिन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उनको हम लेकर करके स्वार्ट्स रिएक्शन हम करा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है आयोडीन के बजाय वो फ्लोरिन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये थी हमारी ट्वेल्थ नंबर की कन्वर्जन अब जो थर्टीन थे उसको डिस्कस करते हैं जो थर्टीन नंबर पे कन्वर्जन है हमारा वो है टू क्लोरोप्रोपेन ये हो गया हमारा टू क्लोरोप्रोपेन जब भी आपको नेम गिवेन हो आप तुरंत उसकी स्ट्रक्चर बनाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको गिवेन है कि ये इसका कन्वर्जन करना है तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना ही चाहिए तो हमें क्या करना है टू क्लोरोप्रोपेन को वन क्लोरोप्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल है ठीक है और वन प्रोपेनॉल मतलब सी टू सी एच टू ओ एच है ठीक है हमें इसका क्या करना है कन्वर्जन करना है तो आइए देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होगा अब आप इसकी कन्वर्जन कराने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसकी पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एलिमिनेशन करा दें आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या फिर कोई बल्की बेस ले सकते हैं ओ माइनस के प्लस या फिर ओ OH एच यहाँ पर ले ले यहां पर ओ माइनस के प्लस आप ले, ले या प्लस ले लें एक बल्कि बेस ले लें या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें ये दोनों ही एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं ठीक है तो एलिमिनेशन जो होगा हमारा कुछ इस तरह का होगा अब ये बन गया हमारा एल्कीन अब इस एल्कीन का अगर हम एच बी आर से एडिशन करा दें एंटी एंटीमार्कोनिकोफ एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोरक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो एंटी प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच टू बी आर यहां पर बनेगा ठीक है अब आप इस सी एच टू बी आर की अगर सी एक्वस एन एच से रिएक्शन करा दें तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा और सब्सिट्यूशन क्या होगा बी आर को क्या कर देगा सब्सिट्यूट करके यहां पर ओ OH एच लगा देगा बात समझ में आई तो इस तरह से कन्वर्जेंस आपको आने ही चाहिए आप जब इन कन्वर्जेंस को देख रहे हो तो आप इनको कंप्लीट करने के बाद अगले दिन या उसके अगले दिन प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से आपके ये सारे कन्वर्जेंस याद रहेंगे और ये कन्वर्जेंस ही आपको एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं ठीक है ये हमारी कन्वर्जन हुई कौन सी नंबर की थी है? ये था हमारा थर्टीन नंबर ना अब ये फोर्टीन नंबर देखते हैं फोर्टीन नंबर क्या है आइसो प्रोफाइल एल्कोहल ठीक है आइसो प्रोफाइल एल्कोहल गई हमारा आइसो प्रोफाइल एल्कोहल और इसकी हम प्रोडक्ट बनानी है किसमें आडो फॉर्म में फॉर्म दैट इज सी एच आई थ्री अब देखिए अगर आप प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म नहीं पढ़े रहते तो आपको पता नहीं चल पाता कि ये कैसे होगा बट मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक चीज की मैं यूज करूंगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की दैट इज पी सी सी और क्लोरोक्रोमेट की हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में इसकी डिस्कशन करेंगे पी सी सी का हम जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल को जो है अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है ये कीटोन बन गया और इस कीटोन की अगर हम देखें तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में आपको बताया था मैं सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल नहीं मैं जब प्रिपरेशन ऑफ एडो फॉर्म बताया था आपको लास्ट लेक्चर में तो उसमें बताया था कि एसीटोन हो या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सी एस थ्री के साथ ओ ग्रुप हो इस तरह के ग्रुप्स एडोफर्म टेस्ट देते हैं ठीक है जब आप रिएक्शन इसकी किससे रिएजेंट रिये, से करा दें एनए प्लस ठीक है जब आप इसकी रिएक्शन एनएच प्लस आई टू से करा दें तो ये एडोफॉर्म टेस्ट देता है ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए ठीक है सी थ्री टर्मिनल पर होना चाहिए और जस्ट उसके एडजेसेंट कार्बन पेयर कार्बोनिल कंपाउंड हो इस तरह के कंपाउंड हम क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको सी एच आई थ्री मिलेगा एडोफॉर्म दिस इज येलो प्रेसिपिटेट होती है इसकी येलो पी पी टी प्लस हमें दूसरा जो मिलता है वो होता है एसिड सी एस थ्री सी डब्लो माइनस एन ए प्लस ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है हमें जो प्रोडक्ट जानना था वो है येलो प्रेसिपिटेट तो आप डायरेक्टली आप इसको पी सी सी पहले क्या करें ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन आप इसकी एन एच प्लस आई टू से रिएक्शन करा दें तो ये एडोफॉर्म रिएक्शन होती है एडोफॉर्म टेस्ट इसको बोलते हैं हम और ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एडोफॉर्म टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक कीटोन कंपाउंड की टर्मिनल कीटोन हम अगर बोले फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी एस टू सी डबल वन ओ और सी एस थ्री अगर ये भी कंपाउंड अगर गिवेन हो तो ये भी हमारा एडोफाम टेस्ट देगा क्योंकि टर्मिनल पोजिशन पर जो है ये सी ओ सी एस थ्री है ठीक है अगर यही कंपाउंड हमारा ये ना होकर अगर कुछ इस तरह से होता कि सी एस थ्री सी ओ यहाँ पर मान लीजिए एक और सी एस टू है और सी एस टू सी एस थ्री होता तो ये हमारी एडो फॉर्म टेस्ट नहीं देता मतलब जब हम रिएक्शन इसकी एन ओ एच प्लस आई टू से कराते तो रिएक्शन हमारी नहीं होती ठीक है तो ये एडोफॉम फॉर्म इसीलिए काम आता है ताकि हमें ये पता चल सके कि टर्मिनल पोजिशन पर सी सी एस थ्री है कि नहीं है बात समझ में आई तो ये थी हमारी एडोफॉम टेस्ट इसकी हम बाकायदे इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे बट अभी नहीं जब इसका सही टाइम आएगा तब ठीक है ये फोर्टीन था अब फिफ्टींथ नंबर देखते हैं क्लोरोबेंजीन को हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है हमें क्या करना है क्लोरोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनॉल में फिनॉल हमारा बेस है लेंगे ये हो गया हमारा फिनॉल और इसके पैरा पोजीशन पर हमें क्या करना है एनओ टू ग्रुप लगाना है पैरा नाइट्रोफिनोल तो आप इसका एक काम कर सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से इसकी रिएक्शन करा दें कॉन्सनट्रेटेड एच टू एच एन ओ थ्री प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एच टू फोर तो इसके पैरा पोजिशन पर क्या लग जाएगा एनओ टू लग जाएगा ये सी एल होगा और पैरा पोजिशन पर इसके एनओ टू लग जाएगा अब फर्दर आप इसकी रिएक्शन किससे करा से तो जो सीएल है वो किससे हो जाएगा ओएच OH से सब्सटीट्यूट हो जाएगा क्योंकि पेरा पोजिशन पर में इलेक्ट्रॉन ये क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ गया ना मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स एस एन ए आर के नाम से बताया था तभी पॉसिबल है जब पैरा पोजिशन पर क्या हो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराएंगे तो पैरा पोजिशन पर, तो पर. पर, तो, पर नोट हुआ गया, मतलब अब ये एस एन ए आर रिएक्शन शो कर सकता है तो जब एक्वस एन एस से रिएक्शन कराएंगे तो सी एल जो है एस एन ए आर रिएक्शन होगी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा सिक्सटींथ नंबर वो है टू प्रोपेन टू वन ब्रोमो प्रोपेन ठीक है हमें इसका कन्वर्जन अब करना है आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं एलिमिनेशन करा दे के से, alcoholic. जब एलिमिनेशन करा देंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और further आप रिएक्शन तो लेना होगा क्योंकि पोरॉक्साइड की वजह से एंटी मार्कोनिको फैडिशन होगा और जब एंटी मार्कोनिको फेडिसन होगा तो हाइड्रोजन वहीं पर जाकर लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हो और ब्रोमीन उसके नेक्स्ट कार्बन पर लगेगा जो डबल बॉन्ड की दूसरी साइड होगी तो वो हाँ पर सी एस टू बी आर हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा सेम जो हमें बनाना था ये हो गई हमारी सिक्सटीन नंबर आइए सेवनटीन देखते हैं सेवनटीन नंबर क्या है हमारा सेवनटीन है कि क्लोरोथेन को हमें ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है बड़ा है ये जैसा है सीएस थ्री यहां पर सी एल लेते हैं ये हमारा क्या हो गया अब इसको ओपन इंस्ट्रक्चर में लिखेंगे तो सी एस थ्री सी एस टू सी एल होगा आप अगर इसकी वुड रिएक्शन करा दें वुड रिएक्शन कब कराएंगे आप ट्वाइस ऑफ सोडियम ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आर एक्स तो आपको गिवेन है सी एस थ्री सी एस टू एक्स जब वुड रिएक्शन करा करेंगे तो ये सी एस थ्री सी एस टू क्या है एड हो जाएंगे एक दूसरे में ठीक है और प्लस जो है टू मोल्स ऑफ एन हमारा निकल जाएगा तो ये हमारा हो गया किससे इथाइल क्लोराइड जो है हमारा इथाइल क्लोराइड या इथिन क्लोराइड क्या कि भी है न यहाँ पर क्लोरोइथेन है क्लोरोइथेन से हमें ब्यूटेन मिल गया ये थी हमारी कन्वर्जन नंबर सेवेंटीन अब आइए एटीनथ नंबर देखते हैं एटींथ भी बड़ा इजीस है बेंजीन को हमें बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है ये बेंजीन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एक रिएक्शन करा दें लेट्स से सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री हेलोजिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हमने पढ़ा था तो ये क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इनिशियली कोई सब्सटीट्यूंट है नहीं तो एक ही किसी भी पोजीशन पर हम जा इसको लगा सकते हैं फर्दर आप इसकी क्या करा दें फिटिक रिएक्शन करा दें अब इसकी दो मोल यूज होंगे जब आप फिटिक रिएक्शन कराएंगे तो इसके दो मोल आपस में क्या होंगे कंबाइन हो जाएंगे और बाईफिनाइल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब जो नेक्स्ट है हमारा नाइनटीन नंबर उसको देखते हैं हमारा क्या है नाइनटीन टॉर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें कन्वर्ट करना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ठीक है हमें क्या करना है टॉर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं सी सी एस थ्री सी एस थ्री एंड सी एस थ्री ये मेरे टर्सरी ग्रुप थ्री डिग्री और ब्रोमाइड हमें लगाना है तो री आर लगा दें ये हो गई अब हमें इसका कन्वर्जन करना है किसमें करना है हमें इसका करना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में तो यहां पर C सी एस थ्री सी एस थ्री मैं टू डिग्री होगा ठीक है मतलब इसका अगेन जो होगा हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी कंप्लीट करेगी तो ये हमारा आइसो हो गया और यहाँ पर हमें क्या करना है बी आर लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो सी एस टू है उसे बी आर लगाना है हो गया। हो गया हमारा। हमें इसका ये कन्वर्जन करना है तो आइए देखते हैं ये हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसकी हम क्या करें एक्वस एल्को सॉरी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एलिमिनेशन करा दें आपको बता दूं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन को ही फेवर करता है ठीक है तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और इन तीनों में से क्योंकि सभी सिमेट्रिकल हैं तो आप किसी से में भी एक हाइड्रोजन ले लें तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा और अब हम इसकी रिएक्शन अगर HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड करा दें तो एडिशन रिएक्शन होगा इस डबल बॉन्ड पर अब एडिशन जो होगा वो होगा क्या उनसे सी वो होगी हमारी एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ तो जब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा हमारा तो सी एस थ्री होगा सी सी एस थ्री होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर हाइड्रोजन लगेगा और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर ब्रोमीन लगेगा तो आप देख लीजिए सेम प्रोडक्ट बना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप इसको जब ओपन स्ट्रक्चर में जब आपको अरेंज जब करेंगे आप ऐसे भी देख सकते हैं या फिर आप ऐसे देखना चाहें तो भी देख लें सी एस थ्री यहां पर सी एच यहाँ पर सी एस टू बी आर ये हुए क्या हमारी आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड अब जो लास्ट है हमारी वो है एनिलीन से हमें जो ट्वेंटीथ नंबर हमें करना है वो हमें करना है एनिलीन से स्टार्टिंग करनी है हमें एनएच टू है ठीक है एनिलीन से स्टार्टिंग करनी है और हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है ठीक अब फिनाइल आइसोसाइनाइड हमें बनाना है नॉट फिनाइल साइनाइड फिनाइल आइसोसाइनाइड हम इसको बोलते हैं ठीक है तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा दें डायजोनियम सॉल्ट में आप इसका कन्वर्जन कर दे एनएनओ टू प्लस एच सी एल हो या फिर एच टू हो दोनों एक ही होते हैं बेसिकली जब दोनों के रिएक्शन हो जाती है तो फाइनली एच टू बनता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बताता हूं एनए एन एच टू है सॉरी एनएनओ टू प्लस एच सी एल एन तो NACL हमारा निकल जाता है और एच हमारा फॉर्म होता है ठीक है तो आपको एनए एन ओ टू प्लस एच सी एल की वेन हो या एच एन ओ टू हो दोनों के कन्वर्ट होना होता है तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डायजोनियम सॉल्ट में एन टू प्लस एच सी एल माइनस अब आप इसके रिएक्शन अगर सिल्वर साइनाइड से करा दें AgCN से तो आपको पता था कि न्यूक्लियो जो बनता है वो कौन सा बनता है सी और जो नाइट्रोजन होता है वो डोनर एटम हमारा बनता है हमने ये बात यहां एम्बीडेंट न्यूक्लियो में भी डिस्कशन किया था तो इस बार जो होगा वो डायजोनियम सॉल्ट को कौन सा करेगा ये एन सी तो ये हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट ठीक है कोई इशू तो ये थी हमारी टोटल बीस कन्वर्जेंस, ठीक है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं तो देखते हैं उनमें क्या होगा अब जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हमारा वो है द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस के कोई भी अल्काइल क्लोराइड है आर अगर हम एक्वास के से रिएक्शन हम कराते हैं तो हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्स के ओ एच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होती है और जो हमारा एल्कोहल फॉर्म होता है ठीक है बट के ओ एच लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दिस केस एसन रिएक्शन होती है सब्सिट्यूशन और अगर यही हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो एलिमिनेशन होता है अब यही मैं बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अगर के ही हम ले रहे हैं फ़र्क बस इतना है कि अगर हम एक्वस के ओएच लें तो हमारा सब्सिट्यूशन होता है और अगर एल्कोहलिक लें तो हमारा एलिमिनेशन होता है तो इसका रीजन ये है कि जब भी आप एक्वा सोल्यूशन की बात करें एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर होगा और आपको पता है कि जो के ओ एच है वो वाटर में किस तरह से डिजॉल्व होगा के प्लस एन ओ एच माइनस में आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली ठीक है जब ओ एच माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो इसकी होंगी जो ये अब ये अनायन है ये वाटर में क्या होगा आयोनाइज होने से ओ एच माइनस के सराउंडिंग में बहुत सारे एस्टो मॉलिक्यूल आ जाएंगे जो इसको क्या करेंगे सराउंड कर लेंगे तो उसकी वजह से जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो टेंडेंसी है बेस की तरह काम करने की वो डिक्रीज हो जाती है आपने सोल्वोलिस पढ़ा है ना इस अनायन को क्या करते हैं वो एस्टो सॉल्वेट कर देते हैं इस सॉल्वेशन के वजह से जो ओ एच माइनस जो है जो स्ट्रांग बेस की तरह यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पाता वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है क्योंकि जो स्ट्रांग बेस होगा वही जो है बीटा कार्बन से अपना हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता था ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा ओ एच माइनस बट केस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए इंप्रेशन एल्कोहलिक है मतलब कोई एल्कोहल भी होगा मान लीजिए सी टू एच फाइव ओ एच है ठीक तो जब सी टू एच फाइव ओ एच होता है तो वाटर मॉलिक्यूल की तरह इसमें आयोनाइजेशन ऑफ के ओ एच जो होता है के प्लस ओ एच माइनस में के प्लस एंड ओ एच माइनस में तो ये सी टू एच फाइव ओ एच जो है इससे ओ एच माइनस रिएक्ट करता है और एच टू ओ फॉर्म करता है एंड सी टू एच फाइव ओ माइनस इथोक्साइड आयन हमारा फॉर्म होता है ठीक अब ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और यही जो है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कराता है ठीक तो ये है हमारी रीजन कि वाई एक्वस के ओ एच सो द निक्लोफिलिक सब्सटीटूशन रिएक्शन वेयर एज एल्कोहलिक पोटासियम हाइडोक्साइड दैट इज एल्कोहलिक के ओ एच सो इज एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है बात समझ में आया क्या तो अगर आप इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ये तो समझाने और समझने समझाने वाली बात थी अब आप इसका एक्चुअल रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एन और के ओ एच आप एन इज कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्व सल्यूशन इज कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन ठीक टू गिव ओएच माइनस आयस जैसा मैंने आपको ऊपर बताया विच इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल सो न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ आरएक्स टू गिव एल्कोहल्स वेयर एज ओएच माइनस आयस आरहाइड्रेटेड और सोलवोलेटेड solvated in aqueous solution which reduces the basic character of oh minus that cannot abstract acidic beta hydrogen atom of rx to form alkene इन केस ऑफ इथेनोइ सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक सोल्यूशन का मतलब हुआ है जो एल्कोहलिक कंडीशन सी टू एच फाइव ओ एच हमने एल्कोहल लिया तो एल्कोहलिक कंडीशन उसी को हम एल्कोहलिक के ओएच भी बोलते हैं तो हमें क्या लिखा इन केस ऑफ इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ एन ए ओ एच और के ओ एच

ठीक है एंड हेंस सी टू एच फाइव ओ माइनस कैन एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन ऑफ आर एक्स टू फॉर्म अल्कींस इजीली ठीक है ये थी हमारी बात कि वाई एक्व एच सो न्यूक्लोफिल रियक्शन वेयर एज एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोज एलिमिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड सी फोर एच नाइन बी आर कोई भी एक प्राइमरी एल्कैलहलाइड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है सी फाइव सी फोर एच एन बी आर रिएक्ट विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम ए देते हैं नाम ये जो है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है क्या टू गिव कंपाउंड बी इससे जो हमारा कंपाउंड बी फॉर्म होता है फ्टर दैट कंपाउंड बी इज रियक्ट विथ एच बी आर जो कंपाउंड बी है वो एच बी आर से रियक्ट करता है टू गिव कंपाउंड सी ठीक विच इज एन आइसोमर ऑफ ए तो सी और ए जो है एक दूसरे क्या है आइसोमर है ठीक अब फर्दर आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वेन ए इज रिएटेड विथ सोडियम मेटल जो ए है इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो इट गिवस कंपाउंड डी ये हमें कंपाउंड डी देता है सी एट एच एटीन विच इज इस कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है सी एट एच एटीन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन ब्यूटाइल जो सी एट एच एटीन जो है डी कंपाउंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड एन ब्यूटाइल वेन रिएक्ट विथ जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन बी आर ठीक है जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं लेट टू मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इसकी भी दो मोल रिएक्शन होगी और वुड्स रिएक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा ऑक्टेन मिलेगा ठीक है तो सी एच थ्री सी एच टू ये हो गया हमारा ऑक्टेन अब ये साफ साफ कहा गया है इसका मोलोकअल फॉर्मुला कितना सी एट एच एटीन की जो ये डी प्रोडक्ट है सी एट एच एटीन ये ये वाला तो नहीं है लास्ट लाइन आप पढ़े वेन द कहा गया सी एट एच एटीन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म वेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हमने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन करा के ये आइडिया लगा लिया कि डी प्रोडक्ट जो है वो ये तो नहीं है मतलब इससे कोई डिफरेंट कंपाउंड है अब इससे हमें यह फायदा होगा कि हम जो इनिशियल कंपाउंड सी फोर एच नाइन बी आर जो ए है उसको हम पता लगा पाएंगे तो ए के बारे में यह कहा गया है कि जो ए कंपाउंड है वो एक क्या है वन डिग्री अल्काइल एम सॉरी जो है वन डिग्री अल्काइल हेलाइड है ठीक वो वन डिग्री अल्काइल हेलाइड हम सी फोर एच नाइन में बी आर में जो पॉसिबल हैं हम उनको बनाते हैं एक तो यह हो सकता है कि यह सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू बी आर हो ये एक वन डिग्री अल्काइल हेलाइड है दूसरा ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है कि यह सी एस थ्री सी एच और ये सी एस टू बी आर क्योंकि यह भी क्या है वन डिग्री अल्काइल हेलाइड है और अगर ये एक कंपाउंड अगर ये वाला होता नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल यही प्रोडक्ट देता जबकि ये कहा गया है तो सी एट एच सी एट एच एटीन जो है यही वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है मतलब ये हमें डिसाइड हो गया कि वो ये तो नहीं है अब बचा कौन बचा ये मतलब हमें पता चल गया कि एक तो ये कंपाउंड तो यही है अब हमें आइडिया लग गया कि जो एक कंपाउंड है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है क्योंकि ये प्राइमरी ब्रोमाइड भी है मतलब वन डिग्री है हेलाइड एंड इसका मॉलक्यूल फार्मूला भी सेम है ठीक तो अब आइए देखते हैं अब इसकी हम रिएक्शन अब आगे बढ़ाते हैं तो इसकी रिएक्शन से हम फर्स्ट ऑफ ऑल डी कंपाउंड बना लेते हैं ठीक तो आइए देखते हैं अब हमें पता चल गया कि जो ए है वो है हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारा ए अब ए की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल से करा रहे हैं इथर के पेजे तो ये हमारा क्या वर्ज रिएक्शन होगा ऑन सिंस इट इज अ वर्ड रिएक्शन तो ये क्या होंगे टू टाइम्स हो जाएंगे जस्ट जो ये एल्केन है ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा आप इसको अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है सी एच यहाँ पर सी एस टू सी एच टू फिर हो जाएगा सी एच सी एस थ्री एंड सी थ्री अब मॉलिकुलर फॉर्मूला देख लें सी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सी एट एच ये थ्री फोर जय ट्वेल्व तो यहीं पर हो गए और चार यहाँ पर है सिक्सटीन और दो यहाँ पर है एटीन सी एट एच एटीन और ये नॉर्मल ऑक्टेन से भी डिफरेंट है जो कि साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया था तो मतलब ये हमारा कंपाउंड क्या होगा डी होगा अब हमें ए मिल गया और डी मिल गया अब हम बी की खोज में निकलते हैं इसकी रिएक्शन जब हम एल्कोहलिक जी हाँ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब कराते हैं तो हमें कंपाउंड बी मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या होगा एलिमिनेशन होगा तो कंपाउंड ये बनेगा हमारा ये कंपाउंड कौन सा होगा ये होगा हमारा बी ठीक हमें बी मिल गया अब इसकी रिएक्शन हम एच बी आर से कराते हैं क्योंकि परोक्साइड गिवन नहीं है तो हम एडिशन कौन सा कराएंगे मार्कोनिको एडिशन कराएंगे मार्कोनिकोफ एडिशन के हिसाब से ये जो है हाइड्रोजन यहां पर लगेगा क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन है तो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पर हाइड्रोजन लगेंगे तो यहां पर सी एस सी होगा और यहां पर बी आर होगा अब आप देखें कि ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड था इनिशियली ए और जो हमारा सी बना वो है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहां पर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है सी फोर एच नाइन बी आर जो इनिशियली हमें सी फोर एच नाइन बी आर गिवेन था और ये एक दूसरे क्या हैं आइसोमर्स भी हैं क्योंकि जब आप इनकी नेमिंग करेंगे तो डिफरेंट आएगा इनकी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जब आप इसकी आईओ नेमिंग करेंगे तो डिफरेंट आएंगे तो ये एक दूसरे क्या होंगे आइसोमर्स होंगे ठीक तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सी तो हमने ए फाइंड आउट किया वो ये निकला आई ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हमारा हो गया ए हमने बी फाइंड आउट किया बी हमारा निकला ये ये हो गया हमारा बी सी हो गया हमारा ये और डी हो गया हमारा ये तो हमने ए बी सी डी चारों को फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज टेन पॉइंट टू टू ठीक है जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैपेंस क्या होगा व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है वो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाए तो ठीक है हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं और इसकी हमें एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करानी है सी एच टू बी आर यह हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा हमने अभी, अभी पढ़ा एलिमिनेशन होगा तो बीटा कार्बन से ये क्या होगा एक हाइड्रोजन अब्सट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा डबल बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा ठीक अब सेकेंड पर चलते हैं ये वाट एपेंट का मतलब यही होता है कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसको ब्रोमाइड को अगर ट्रीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ठीक है हमें प्रोडक्ट ही बनाना होता है नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैग्नीशियम से हम इसकी ट्रीट, ट्रीट करते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको पता है कि ये क्या होंगे ग्रिगनाड रिएजेंट फॉर्म होगा ठीक अब जो नेक्स्ट है वो है क्लोरोबेंजिन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजिन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस ठीक है जब इसकी हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो अब मुझे आप बताया कि हाइड्रोलिसिस कराना है मैंने अभी अभी आप, आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस जो या हाइड्रोलिसिस हो या सॉल्वोलिसिस हो या एसिडोइलो एसिटोलिस हो इन तीनों ही केस में एस एन वन मैकेजम फॉलो होता है मतलब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक तरह का ये एस एन वन रिएक्शन है ठीक अब सीन्स इस क्लोरो के पैरा पोजिशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप नहीं है एंड ऑर्थो पोजिशन पर भी कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप नहीं है और अगर एस एन वन रिएक्शन होना है ऐसा रिएक्शन अगर सब्सिट्यूशन रिएक्शन होना है तो एरोमेटिक के केस में सब्सिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या हो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो जो कि प्रेजेंट है नहीं अगर नहीं है तो नो no रिएक्शन मतलब यहां पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं हाँ अगर इसके पैरा पोजिशन पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करा देते हैं तो इसके पैरा एंड ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर क्या आ जाते हैं एनोटो ग्रुप आ जाता अगर इसके बाद आप अगर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो यह जो CL है था, ये OH से सब्सिट्यूट हो जाता बट पैरा पोजिशन पर या ऑर्थो पोजिशन पर एनोटो ग्रुप या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा जो फोर्थ है हमारा वो है इथाइलक्लोराइड इजेड विथ एक्वीएच एक्वस के ओए लिखा है मतलब सब्सिट्यूशन होना है और वो भी ओ OH माइनस का इथाइल क्लोराइड है सी एस थ्री सी टू सी एल ठीक हमें एक्वे गिवेन है एक्वस के ओच जो है, होता है सब्सिट्यूशन होता है शो करता है अभी अभी हमने इसका रीजन भी देखा ठीक तो ये के सी एल निकल जाएगा और ओ OH एच यहां पर आकर लग जाएगा तो सी एच थ्री सी एस टू ओ एच हमारा फॉर्म होगा जो फिफ्थ नंबर है वो है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड रिएक्शन है ये मिथाइल ब्रोमाइड सी एस थ्री बी आर इसके दो मोल ले लीजिए दो मोल ऑफ सोडियम ले लीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बोला क्या है तो वुड रिएक्शन होगा तो सी एस थ्री सी एस थ्री फॉर्म होगा हमारा दैट इज इथेन समझ आया अब जो लास्ट है वो है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम साइनाइड इसको मैं भी यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं चलिए छोड़िए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। हमें क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन मिथाइल क्लोराइड इज सी एस थ्री सी एल इज ट्रीटेड विथ के सी एन पोटेशियम साइनाइड अब ये लिविंग ग्रुप है और के प्लस सी एन माइनस होगा ये ठीक सी एन माइनस यहां पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा दैट इज सी जो अटैकिंग एटम होगा सी होगा हम एन से अगर करा देंगे तो वो ऐसा साइनाइड बना देगा ठीक है ना इस बात को आप ध्यान देखें क्योंकि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो जब सी एन इस पर अटैक करेगा सी एल हमारा ये निकल जाएगा और जो फॉर्मड होगा वो होगा सी एस थ्री सी एन मिथाइल साइनाइड हम इसे बोलेंगे ठीक तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा क्या डिस्कशन ऑन एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया इसमें जितने भी क्वेश्चन थे नियर अबाउट अस्सी सौ क्वेश्चन के आसपास थे टोटल तो हमने इनका एक एक डिस्कशन किया और बाकायदे डिस्कशन किया कि वो क्यों होता है कैसे होता है तब आपका मेरा काम तो हो गया अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को और थ्योरीज को नोट्स करें नोट डाउन करें एंड इनको बाकायदे प्रैक्टिस करें क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकता आप ये लिखित ले लें अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये भी नहीं हो सकता कि ये आपको ना आए क्योंकि आपने देखा कि जितने भी रिएजेंट्स यूज हुए इस चैप्टर में वो सब बार बार रिपीट हुए ठीक तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही चीज बार बार होगा और बार बार होगा तो वो माइंड में स्टोर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा टोटली चैप्टर ही खत्म होता है विथ एक्सरसाइज अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर विच इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे उनकी नेमिंग वगैरह देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम अपने चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले चैप्टर में टिल दैट थैंक यू सो मच